हेलो दोस्तों, मैं मयूर आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम इलेवन ड्रीम टीम में। आज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश T20 मैच है और आज मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम बताने वाला हूं इस T20 मैच की। मैंने दो टीमें बनाई हुई है। ODI और T20 में थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि उनमें जो प्लेयर्स होते हैं उनमें थोड़ा चेंजेस होते हैं, जो स्क्वाड होती है टीम की उसमें थोड़ा चेंजेस किए जाते हैं। ODI की टीम अलग होती है और T20 की टीम अलग होती है। तो विकेट कीपर की अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन है आपके सामने, रहीम और दिगविला। इसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिगविला है, आप रहीम भी ले सकते हैं। उसके बाद में बैट्समैन की बात करें तो तमीम इकबाल अच्छे बैट्समैन है, T20 के लिए तो बहुत अच्छे बैट्समैन है। उपुल तरंगा ये भी अच्छे बैट्समैन है। चंडीमल को आप ले सकते हैं और कुशल परेरा को आप ले सकते हैं। मोहम्मद उल्ला भी अच्छे बैट्समैन हैं, इनको भी लें। और उसके बाद में सौम्या सरकार, शब्बीर रहमान ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास में लेने के लिए बैट्समैन में। ऑलराउंडर की अगर बात करी जाए तो शकीब अल हसन, उसके बाद में तिसारा परेरा ऑलराउंडर में मतलब बहुत ही बेटर हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं उनमें तिसारा परेरा सबसे बेटर हैं, तो इनको ज़रूर लें आप। मैं भी थोड़े चेंजेस करूँगा अपनी टीम में। और गुणरत्ने ये भी अच्छा ऑप्शन है, आफिफ हुसैन। उसके बाद में बॉलर्स की बात करी जाए तो रहमान ये अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद में धनंजया, इनको भी लें। और रूबेल हुसैन ये भी अच्छे बॉलर है। और बाकी अभी कुछ स्क्वाड का भी कुछ पता नहीं है कि कौन से प्लेयर्स लेंगे बचे हुए प्लेयर्स में से, तो इसलिए कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तीन तो खेलेंगे। तो यही थी आज हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। अब इसमें मैं आपको वाइस कैप्टन और कैप्टन के बारे में बता देता हूँ जो आपके पास में ऑप्शन है। बैट्समैन में अगर आप देखें तो उपुल तरंगा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, उसके बाद में तमीम इकबाल। फिर ऑलराउंडर में अगर देखा जाए तो शकीब अल हसन और गुणरत्ने दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन के लिए। बॉलर में अगर आप चूज़ करते हैं तो अकीला धनंजय बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आज के ड्रीम इलेवन के मैच के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।